हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मूंगफली की नई रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। तो अब पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप मूंगफली डालेंगे, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए मूंगफली रोस्ट हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पर मैंने 1 बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम इस मूंगफली को डाल देंगे। अब इसमें हम 1 छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मूंगफली की चटपटा रेसिपी बनके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।